ऑल राइट ये मैं सोच रहा हूं लाइट और बात क्या कर शुरू करें दोस्तों। सबसे पहले तो आज 2021 का आखिरी दिन है और कल 2022 का आगाज होने जा रहा है। मैं आप सबको नए साल के लिए मुबारकबाद देता हूं, गुड विशेस देता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से और अपनी तरफ से, और दुआ करता हूं कि आने वाला साल पिछले सालों के मुकाबले में और ज़्यादा पीसफुल हो और लोगों के लिए और बेहतर साल साबित हो। साथियों 2021 का हम लोग अगर लेखा जोखा करें तो एक और कामयाब साल जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस ड्यूटी जम्मू एंड कश्मीर और हमारे लोगों के लिए रहा है। हमने कोशिश की कि हम पहले के मुकाबले में और बेहतर माहौल अपने लोगों को दे सकें और पीसफुल माहौल लोगों को दे सकें, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारी कोशिशें कामयाब हुई और बहुत हद तक सिक्योरिटी के सारे पैरामीटर जो हैं वो पहले सालों के मुकाबले में और ज़्यादा बेहतर हुए। आप लोग हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं कि जानने में कि टेररिज्म जो जम्मू कश्मीर के लिए एक बीमारी एक मर्ज की तरह पिछले 30 सालों से लगा है उसका क्या सूरत हाल रही, साल के दौरान किस तरह का काम रहा। और मुझे ये खुशी है कहते हुए कि पिछली रात 100 कामयाब ऑपरेशन का टारगेट पूरा हुआ और 100 कामयाब ऑपरेशंस के अंदर 182 दहशतगर्द जो 182 जो अलग अलग तंजीमों के साथ वाबस्ता हैं वो इसमें न्यूट्रलाइज हुए, और एक बहुत बड़ा एरिया कश्मीर का और जम्मू का जो आतंक के साए में लंबे अरसे से चल रहा है उनमें मुझे लगता है कि लोगों को कुछ चैन की सांस लेने का मौका मिला। ये जो दहशतगर्द मारे गए इसमें 44 के करीब टॉप टेररिस्ट हैं। जब मैं टॉप कहता हूं तो ए प्लस प्लस कैटेगरी जो तंजीमों को जिला डिवीजन या ड्यूटी के ओवरऑल हेड के माफक ऑपरेशनल कमांड देते हैं उस तरह के दहशतगर्द 44 इसमें शामिल हैं। और इन 44 के अंदर भी अगर मैं फर्दर बताऊं तो लश्कर के 26 टॉप कमांडर, जैश के 10, हिजबुल मुजाहिदीन के 7 और अलबदर का 1, 44 टॉप कमांडर साल के दौरान मारे गए। और ये वो टॉप कमांडर हैं जो लोगों की जान माल के साथ कैसे खिलवाड़ करना है, लोगों की रोज की जिंदगी को कैसे डिस्टर्ब करना है, पाकिस्तान के इशारों पे मौत का नंगा नाच यहाँ पर कैसे रचाना है उसकी साजिशें बनाने में शामिल रहते हैं, और लोगों को हर तरह का वो नुकसान करने के लिए और उनके अंदर डर और खौफ की फीलिंग पैदा करने के लिए हर वो कार्रवाई करते हैं जिसमें जहाँ पर लगे कि माहौल शांत नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है। कि 44 टॉप कमांडर और 182 दहशतगर्दों के सफाई के साथ मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि पहली बार पिछले बहुत सालों में सबसे कम दहशतगर्द जो इस वक्त एक्टिव हैं उनकी गिनती बची है। बड़े लंबे अरसे के बाद ये फिगर इतनी नीचे आई है। जहां हिंटरलैंड में अलग अलग जगहों पे कामयाब ऑपरेशन हुए वहां हमारी बॉर्डर की ग्रिड जिसमें आर्मी पुलिस बीएसएफ सब लोग शामिल हैं उस फ्रंट के ऊपर भी बड़ा कामयाब साल रहा, और बड़े लंबे अरसे के बाद इन्फिल्ट्रेशन का मेयार इन्फिल्ट्रेशन का लेवल भी बहुत कम रहा। पूरे साल के अंदर सिर्फ 34 इस तरह के दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करके इस पार आ पाए जिनमें से काफ़ी लोगों का सफाया 182 के अंदर हो चुका है और बाकी की तलाश जारी है।
और लैंड ऑर्डर के फ्रंट के ऊपर अगर देखें तो मुझे लगता है कि ये फिर नहायत ही कामयाब तरीका एक साल रहा है। स्टोन पेल्टिंग जिसको धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं, एजिटेशन जिसको धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं, बंद काल्स जो लोगों को चलते हुए काम को रोकने का काम करती थी, लोगों के कारोबार, बिजनेस, बच्चों की पढ़ाई, हर तरह की चीज़ को मुतासर करती थी, लगभग ना के बराबर हो गई है। और लैंड ऑर्डर तो 60-70% तक इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा हो गई है। चंद ऐसे इंसिडेंट हुए जहां बहुत ही लोकलाइज्ड लेवल के ऊपर बड़ी कम तादाद में लोग निकले, मगर कार्रवाई बहुत इफेक्टिव पुलिस की तरह प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें बहुत सारे लोग जो स्टोन पेल्टिंग में शामिल थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करी गई, और जो बिल्कुल छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको समझाने की कोशिश भी की गई कि ये रास्ता अभी तक किसी को रास नहीं आया है, नुकसान होता है, आप भी इस रास्ते से बच के रहिए। आप ये भी जानना चाहते होंगे कि जो टेररिस्ट के रैंक में रिक्रूटमेंट होती है उसका क्या हाल रहा। ये साल उस लिहाज से भी बड़ा कामयाब साल था। कुल मिलाकर के 134 नए दहशतगर्द जो हैं, मैं कहूँगा नए जूथ जो रास्ते से भटके और टेररिस्ट के रैंक्स में शामिल हुए, मगर बड़ी कामयाबी की बात यह है कि 134 के अंदर साल के दौरान ही 72 जो हैं वो अलग अलग जगहों पे मारे गए, 22 लोग पकड़े गए, और इन 134 के अंदर सिर्फ 40 लोग ऐसे बचे हैं, और जो नए दहशतगर्द शामिल होते रहे उनकी शेल्फ लाइफ जो हुई वो इतनी कम हो गई कि कभी कभी 24 घंटे भी हो गई। आज ज्वाइन किया और 24 घंटे के अंदर सफाया हुआ, एक महीना भी रही और ज़्यादातर 3-4 महीने की शेल्फ लाइफ रही। 40 के करीब लोग एक्टिव हैं जो ताज़ा ताज़ा शामिल हुए हैं। हमारी उम्मीद है कि वो वापस लौटेंगे घरों को, हथियार रखेंगे दुश्मन के जो उनके हाथ में थमाए गए, और फिर से अपनी ज़िंदगी अमन से शुरू कर सकते हैं। किसी अगर दहशतगर्दी की कार्रवाई में वो शामिल ना हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई नरम से नरम करने का भी सोचा जा सकता है। जहां इतनी बड़ी तादाद में कामयाब ऑपरेशन हुए उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को फिर से वापस लौटने का, जिंदा वापस लौटने का मौका भी दिया गया। 80 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ा गया, 80 टेररिस्ट ऐसे हैं जिनको पकड़ा गया। केसेस ऑफ कोर्स उनके खिलाफ चलेंगे, मगर उनकी जान जो है इन एनकाउंटर्स के दौरान जो लोग हथियार थामे रखते हैं और आखिर तक अपना काम करते हैं वो मारे जाते हैं, उससे उनकी जान बची। इसी तरीके से जो दहशतगर्दी की पूरी सांसें जिसकी बुनियाद पे चलती है, OGW जिसको कहते हैं, OGW जो हर रंग में पाया जाता है, सफ़ेद, काला, नीला, हरा, पीला, वाइट कॉलर, किसी भी रूप में, किसी भी उम्र में पाया जाता है, 14 साल से लेकर के 80 साल की उम्र तक का, किसी भी सेक्स में पाया जाता है, मर्द भी हो सकता है, औरत भी, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं, अनपढ़ भी हो सकता है और इंटेलेक्चुअल भी, रनर भी और गनर भी हो सकता है, फीडर भी है और फॉर्डर भी है, हर तरह की परिभाषा उसकी कम पड़ती है, और वो लोकल भी है और ग्लोबल भी है। कश्मीर के अंदर भी बैठा है, पाकिस्तान के अंदर भी है, तुर्की में, सऊदी में भी है, और इंग्लैंड और जर्मनी में भी है। हमारी कोशिश है कि हम लोकल को भी डील करें और ग्लोबल को भी डील करें। बहुत सारे ग्लोबल OGW जो हैं उनको हम लोगों ने कानून के दायरे में लाया है, बहुत सारे हमारे निशाने पे हैं, उनको आने वाले वक्त में कानून के दायरे में लाया जाएगा। मुझे इस बात को कहते हुए तकलीफ महसूस होती है कि हमारे 20 बहादुर पुलिस के जवानों ने अपनी जान की आहुति दी, 20 जवान दहशतगर्दी के खिलाफ लोगों के हक में काम करते हुए, अमन के लिए काम करते हुए शहीद हुए। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। इसके साथ साथ 23 और जवान जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं उनकी शहादत हुई, हम सब उनको भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि पेश करते हैं। मगर ये बता दूँ कि 20 और 23 का आंकड़ा अगर गिनती के हिसाब से लें
तो ये गिनती पहले के मुकाबले में काफ़ी कम हुई है। ये एक अच्छी बात है। जहाँ ऑपरेशनल कामयाबियाँ बहुत बड़ी हैं, हमारे लोगों का नुकसान जो है कम हुआ है। और एक और बता दूं कि चंद रोज़ पहले जो हमारी पुलिस की बस के ऊपर अटैक हुआ था पंथा चौक जैवन की रोड पे, पिछले 36 घंटे के अंदर 9 दहशतगर्द जैश ए मोहम्मद के मारे गए हैं और उन सब लोगों का सफाया हो चुका है जो इस अटैक में शामिल थे। मैं ये भी बता दूं कि जितनी भी सिविलियन किलिंग्स इस साल के दौरान हुई, जितनी भी SF किलिंग इस साल के दौरान हुई, उसमें शायद ही कोई दहशतगर्द लोकल या पाकिस्तानी किसी भी आउटफिट से जो संबंध रखता है वो जिंदा बचा हो। सबका सफाया हो चुका है और मुझे सिर्फ 2 लोगों के नाम अभी भी मेरे किचन में हैं जो अभी बचे हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, अमन के दुश्मन, लोगों के दुश्मन, अवाम के दुश्मन जो दहशतगर्द हैं, उनका सफाया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वो 2 हमारी रडार पे हैं, बहुत जल्द उनको भी ख़त्म किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई साथ साथ, जैसे मैंने कहा, बड़ी तादाद में PSA उन लोगों के खिलाफ लगे। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत डिटेंशंस हुई जो देखने को भले सादे लगते हैं मगर करतूतों के लिहाज से बहुत काले हैं, उनका भी हिसाब साथ में हुआ। काफ़ी बड़ी तादाद में UAPA के तहत केस रजिस्टर किए गए। 497 तादाद है केसेस की जो ऐसे लोगों को डील करने के लिए जो मिलिटेंसी में ना सिर्फ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं बल्कि इनडायरेक्टली मिलिटेंसी को, दहशतगर्दी को जिंदा रखने में, चलाने में अलग अलग तरह की हरकतें करते हैं। दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए जो गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, बड़ी तादाद में गाड़ियां UAPA के केसेस में सीज कर ली गई जिसके ऑर्डर पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से दिए गए। दुकानें, मकान, ज़मीनें भी सीज करी गई जिनका इस्तेमाल दहशतगर्दों के लिए होता है। बहुत खुशी की बात यह है कि हम जो पिछले 3 साल से ज़्यादा अरसे से एक नया रिकॉर्ड कायम करके चल रहे हैं कि लैंड ऑर्डर की हैंडलिंग में किसी भी सिविलियन की किलिंग ना हो, वो रिकॉर्ड आज भी बरकरार है। पिछले 3 साल से 18 में 2 ऐसे लोग थे जो लैंड ऑर्डर के दौरान मारे गए थे, 19, 20, 21 में ये फिगर 0 चल रही है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको 0 रखें, क्योंकि लोगों का तावन, लोगों का सहयोग हमारे साथ है। लोग समझबूझ से काम लेते हैं और उकसाए जाने पर भी किसी की उकसाहट में नहीं आते हैं। ये एक अच्छा चलन है, इसको जारी रखा जाएगा। ड्रग्स का एक नया खेल जो पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ है, मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान पंजाब को ये तोहफा पहले दे चुका है। जब वहां दहशतगर्दी ख़त्म हो रही थी तो ड्रग्स भेजी गई। ड्रग्स के 2 फायदे पाकिस्तान की नज़र में होते हैं। एक तो नस्लों को खोखला करें, ख़त्म करें उसकी साजिश, ताकि बदला लें आप सब लोगों से जो उनकी साजिशों में, उनकी चालों में शामिल नहीं होते हैं, और उनके बच्चों को बर्बाद किया जाए। दूसरा ये कि नारकोटिक्स से जो पैसा आता है उसी पैसे से मिलिटेंसी को चलाया जाए। करोड़ों की तादाद में हम लोगों ने ऐसा कैश पकड़ा है इस साल के अंदर जो या तो दहशतगर्द को सीधा पाकिस्तान की तरफ से नारकोटिक्स की सेल के जरिए से पहुंचाया जाना था, या फिर लौट करके पाकिस्तान में जाना था ताकि आने वाले दहशतगर्द जो सरहद पार से आते हैं उनको इंडियन करेंसी के तोहफे वहीं से दे के साथ में भेजा जाए। करोड़ों की तादाद में ऐसा कैश हमने इस बार पकड़ा है। बड़ी तादाद में क्विंटल्स में इस बार मकदार है इसकी जो अलग अलग तरह की ड्रग्स पकड़ी गई, जिसमें हीरोइन भी शामिल है, चर्स भी शामिल है, ब्राउन शुगर भी शामिल है, पॉपिस्ट्रा भंग है, लोकली ये स्मगल होता है, कश्मीर से बाहर जाता है, मगर बाकी नारकोटिक सब्सटेंसेस जो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं उनकी तादाद ही नहीं बढ़ी बल्कि हमारी कार्रवाई भी और तेज हुई। 1560 केस हम लोगों ने इस साल में दर्ज किए और 2410 लोग जो हैं इन केसेस के अंदर पकड़े गए, जिनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई NDPS के तहत की जा रही है। 10 केस नार्को टेरर नेक्सस वाले थे, जिसमें स्मगलिंग की हुई नारकोटिक्स का पैसा दहशतगर्दी के अंदर झोंका जाना था। 10 केसेस ऐसे भी रजिस्टर किए गए और 25 लोग जो नार्को टेरर के नेटवर्क्स में काम करते हैं वो पकड़े गए। क्राइम के हवाले से अगर देखें तो लगभग 30,000
केस इस साल अलग अलग हेड्स ऑफ क्राइम के तहत रजिस्टर हुए, जिसमें लगभग बराबर ही फिगर है। 15,500 के करीब इसकी फिगर जम्मू में है और 14,500 के करीब इसकी फिगर कश्मीर में है। 30,000 के करीब टोटल जो आंकड़ा जो है वो रहा, मगर इसके साथ ही कोई 13,000 के करीब केसेस पुलिस की तरफ से डिस्पोज ऑफ किए गए, कोर्ट्स में पेश किए गए, जिनकी कार्रवाई अलग अलग स्टेजेस के ऊपर इस वक्त चल रही है। कोविड की वबा आप सब जानते हैं, सबको खौफ में डर में इसने रखा और बहुत सारी जानें भी इससे जाया हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डट करके इस माहौल के अंदर लोगों की सेहत और सुरक्षा के लिए काम किया, अपनी परवाह न करते हुए भी अपनी जिम्मेवारियों को अंजाम देते रहे, जिसके चलते कोई 2,500 के करीब हमारे लोग संक्रमित हुए, इन्फेक्शन हुई कोविड की, और अनफॉर्चुनेटली इस साल के दौरान 12 लोग हमारे कोविड की वजह से अपनी जान खो गए। हमें उनके लिए दुख है और उन परिवारों के लिए हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, मगर अपने लोगों की सेहत अच्छी रहे, अपनी फोर्स की सेहत अच्छी रहे, हमने लगभग दोनों ही डोजेस 100% के करीब अपनी फोर्स के लिए अरेंज करी और सभी लोग इस वक्त वैक्सीनेटेड हैं। बावजूद इसके भी कभी ना कभी कोई ना कोई केस सामने आते हैं, मगर गवर्नमेंट की तरफ से ये जो मदद रही कि जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको सबसे पहले प्रोटेक्शन दी जाए, उसके चलते हम लोग अपने लोगों को बहुत अच्छे से ये फायदा दे पाए, इसके लिए मुझे खुशी है और मुझे सरकार को इसके लिए शुक्रिया भी कहना है कि पुलिस के जवानों को, पुलिस के लोगों को पहल की गई जो इस जमन में काम कर रहे थे। दोस्तों, अलग अलग विंग्स पुलिस के बहुत नुमाया काम करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस एक बड़ा बेड़ा है, बड़ा परिवार है, इसमें हर तरह का विंग काम करता है। आर्मर्ड पुलिस ने भी बढ़ चढ़ के हर तरह की ड्यूटीज़ में हिस्सा लिया और बहुत कामयाब साल आर्मर्ड पुलिस के लिहाज से भी रहा। बहुत अच्छे काम उन्होंने करे, ट्रेनिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लाइन ऑर्डर की तैयारी में हमेशा लगे रहते हैं और हमने उनको और मजबूत करने के लिए बहुत सारी इक्विपमेंट और बहुत सारी ट्रेनिंग्स का इंतजाम किया है। ट्रैफिक का विंग, जिसके ADG साहब मेरे दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं, नमग्याल साहब, बहुत अच्छा काम ट्रैफिक ने किया, बावजूद इसके कि व्हीकल पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, बावजूद इसके कि बेसब्री की भी हद हो गई है, बावजूद इसके कि लोग कम ट्रेनिंग के बावजूद भी गाड़ी के स्टेयरिंग पे बैठने से गुरेज नहीं करते हैं, काफ़ी एक्सीडेंट रहे, मगर बहुत हद तक ट्रैफिक को अच्छे से रेगुलेट करने में ये लोग कामयाब रहे और ट्रैफिक वायलेट करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ लगभग 4.5 लाख चलान किए गए उनके खिलाफ, और को 20 करोड़ के करीब ऐसे लोगों को जुर्माना किया गया जो ट्रैफिक की वायलेशंस में शामिल रहते हैं। ट्रैफिक के निजाम को और बेहतर करने की कोशिश हमारी जारी है। जल्द ही शहरों में कैमरों की व्यवस्था होने वाली है, स्मार्ट सिटीज़ के अंदर इस प्रोजेक्ट को रखा गया है, मगर इन्होंने ई चलानिंग का जो सिलसिला शुरू किया है, आप सजा तो दे रहे हैं गलत करने वाले को, मगर जो उसकी चक्कर लगाने की प्रक्रिया रहती थी इधर से उधर, उधर से इधर कोर्ट्स में जाने का, ई चलानिंग से वो सिस्टम काफ़ी हद तक स्मूथ हो गया है। ई चलानिंग को इन्होंने काफ़ी हद तक अमल में लाया है। CID ने बहुत अच्छा काम साल के दौरान किया, बहुत सारी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज CID से होती हैं। 60,000 के करीब लोग ऐसे जिनको पासपोर्ट की वेरिफिकेशन चाहिए थी उनको पासपोर्ट वेरिफिकेशन की सर्विस दी गई, और 17,000 के करीब लोग ऐसे जिनको नौकरी और बाकी पेशे जो हैं जिसके लिए ज़रूरत होती है उसके लिए क्लियरेंस दी गई, और 3,000 से ज़्यादा लोगों को, जो लोग अलग अलग एम्बेसीज और हाई कमीशन से जो केस आते हैं उनकी क्लियरेंस दी गई। CID ने कुल मिलाकर के बहुत अच्छा काम किया। अब क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने एक नया विंग खड़ा किया है SIA के तहत, आपको पता होगा कि कल ही हम लोगों ने एक बड़ा अहम केस चलान किया है, जो हुर्रियत और पाकिस्तान के जो पिट्ठू हैं, जो पाकिस्तान नवाज दहशतगर्दी नवाज फोर्सेस हैं, उनको MBBS और इंजीनियरिंग की सीटें बांट के दी जाती थी ताकि उनको बेच सकें और उसमें मुनाफा कमा सकें, उसमें कल ही पहला केस SIA की तरफ से चलान हुआ है। SIA को आधा दर्जन के करीब केस और आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी तफ्तीश करेंगे, और मुझे लगता है कि ये
एक और नया विंग हमारा जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन का है, ये टेरर की और टेररिज्म की जो स्ट्रक्चर्स है उनको स्ट्राइक करने में और कमजोर करने में काफ़ी हद तक कामयाब होगा। क्राइम ब्रांच EDG स्पेशल DG अरुण चौधरी साहब देखते हैं और काफ़ी अच्छा काम साल के दौरान रहा। 110 केसेस इन्होंने साल के दौरान रजिस्टर किए और इन्वेस्टिगेट किए और 99 केस जो हैं वो कोर्ट्स में चलान किए गए। सो 110 की रजिस्ट्रेशन के बावजूद 99 केसेस का चलान पेश करना मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी कारकर्दगी है। ANPF का एक और नया विंग जो पिछले साल हम लोगों ने खड़ा किया था, बहुत अच्छे तरीके से ड्रग्स के खिलाफ काम कर रहा है। 20 केसेस ANPF के थानों में रजिस्टर किए गए और उसमें 20 लोग जो नारकोटिक्स की तस्करी में इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा गया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की गई। हमने एक JK ECOP नई एक ऐप चालू करी है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। इसको आप चाहें तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई 1.5 दर्जन के करीब ऐसी सर्विसेज हैं जो आप ऑनलाइन उस ऐप के जरिए से ले सकते हैं। हम लोग चाहेंगे कि स्पेशल डीजी क्राइम इस ऐप को और ज़्यादा पॉपुलराइज करें ताकि लोगों को ज़्यादा पता चले, मगर उसमें 1.5 दर्जन के करीब सर्विसेज आप लोग ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं जिसके लिए आपको खुद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। CCTNS हमारा देरीना प्रोजेक्ट चल रहा था, उसको हमने पूरी तरह से गोलाइव कर दिया है और इसको और स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि CCTNS आने वाले टाइम पे हमारा जो ICJS है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है और बहुत सारी चीज़ें जो हो CCTNS की बुनियाद के ऊपर ही प्लान होती हैं, पॉलिसी डिसीजंस, पॉलिसी प्लानिंग। इसको और ज़्यादा मजबूत इस प्रक्रिया को करने के लिए ADG हेडक्वार्टर और स्पेशल DG क्राइम लगे हुए हैं। जवानों का वेलफेयर हमारे लिए सर्वप्रिय है, हमारे जवान खुश रहें, खुशहाल रहें, जहां वो इतना बेहतर काम करते हैं महकमे की तरफ से, सरकार की तरफ से जो सुख सुविधाएं उनको दी जा सकती हैं उसका हमेशा ख्याल रखा जा सके। मुझे खुशी है कि इस बार इस साल में 9000 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको हमने प्रमोट किया, प्रमोशन दी अलग अलग रैंक में, जिसमें 325 लोग आउट ऑफ टर्न प्रमोशन वाले भी हैं जो अच्छा काम करने के लिए, आउटस्टैंडिंग काम परफॉर्म करने के लिए जिनको कंसिडर किया जाता है और आउट ऑफ टर्न प्रमोट किया जाता है। इसी तरीके से 3500 के करीब लोग हैं जिनको इन सीटू प्रमोशन मिली। हमारे जो लोग शहीद हो जाते हैं या बाकी लोग जो सर्विस के दौरान जिनकी डेथ होती है, मौत वाक़ होती है, उनके बच्चों को रोज़गार मिले उसके लिए 216 केस हम लोग क्लियर कर चुके हैं। मैं सरकार को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, LG साहब को और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को। हमारे बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो पुराने हो गए थे, SRO केसेस, उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं इस तरह की कमी थी जिसके चलते हम लोग उनको क्लियर नहीं कर पा रहे थे। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की हदायत के मुताबिक जहाँ पर हर तरह की कंसेशन दे करके हम लोगों ने 71 के करीब ऐसे केसेस थे हमारे देरीना जो 20-20 साल पुराने भी थे मगर वो किसी ना किसी वजह से क्वालिफाई नहीं करते थे, उनको हमने क्लियर कर दिया है। जो विंग हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं, हाई रिस्क ड्यूटी में रहते हैं, उनके लिए स्पेशल इंसेंटिव्स का इंतजाम भी हुआ। SOG जिसका जितनी तारीफ करे कम है, ये हमारा सबसे बड़ा पावरफुल पंच है जम्मू कश्मीर पुलिस का। रात के ऑपरेशन की बात करें जिसमें 3 खूंखार आतंकी मारे गए तो SOG लेड ऑपरेशन था, SOG ने इसमें काम किया और हमारे जो आर्मर पुलिस के जवान जिनकी बस के ऊपर हमला हुआ था चंद ही रोज पहले, बहुत जल्द इसका निपटारा करने में, न सिर्फ केस को सॉल्व करने में मगर उन दहशतगर्दों का सफाया करने में SOG कामयाब हुआ। SOG बहुत सारे कामयाब ऑपरेशन थ्रू आउट स्टेट सभी जिलों में कर रहा है। मैं SOG को मुबारकबाद भी देता हूँ कि उनकी फॉर्मल स्ट्रक्चर सेंक्शन हो गई है और साथ ही साथ उनको नए इंसेंटिव भी दिए गए हैं जिसमें उनको काम करने के लिए और ज़्यादा जो 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 इनकरेजमेंट मिले, और मैं इसके लिए सरकार को शुक्रिया कहना चाहता हूँ दोनों ही जगह पे, जहाँ पर लोकल लेवल पे और MHA के लेवल पे जितने किया। आप लोग हमेशा SPO की बात करते हैं,
हमें भी उसकी फिक्र रहती है। एसपीओ का लेवल काफ़ी आगे बढ़ गया, 6,000 से 18,000 तक पहुंचने वाला, अब उससे ज़्यादा भी आगे इनको फ़ायदा हो सके हमारी कोशिश जारी रहेगी, उस जीवन में भी हम काम करेंगे। इसी तरीके से एसएसएफ को स्पेशल इंसेंटिव दिया गया, एसीबी में काम करने वाले लोगों को स्पेशल जो है इंसेंटिव दिया गया। हमने 2 नई बटालियन सिक्योरिटी बटालियन में कन्वर्ट कर दी, क्योंकि सिक्योरिटी की कमिटमेंट्स के लिए हमारी नफरी कम पड़ती थी। 2 बटालियंस को हम लोगों ने अपनी नई बटालियन जो सिक्योरिटी के जीवन में काम करेंगे, सिक्योरिटी विंग के लिए काम करेंगे, वो तैयार किया है। और जो नॉन फंक्शनल ग्रेड, जिनको ज़्यादा लंबा अरसा प्रमोशन नहीं होती है, उनको कम से कम मॉनेटरी इंसेंटिव मिल सके, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की गस्टेड सर्विस मेनली आती है, 120 लोगों को साल के दौरान इस तरह का जो है वो नॉन फंक्शनल ग्रेड जो है वो दिया गया। मुझे लगता है कि उसमें सेटिस्फेक्शन का लेवल गस्टेड कार्डर के अंदर भी काफ़ी अच्छा हुआ है। ट्रेनिंग्स का मैंने जिक्र किया, 12,000 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको अलग अलग ट्रेनिंग कोर्सेज दिए गए। और पासिंग आउट परेड बहुत ही बेहतरीन परेड, एसडी जम्वाल मेरे पास बैठे हैं, पिछली बार हमारे ट्रेनिंग एकेडमी में उधमपुर में एसकेपीए में हुई, और वो जवान बेहतरीन ड्यूटी जो ट्रेनिंग सेंटर से निकले इस वक्त ग्राउंड के ऊपर कर रहे हैं, हमें फ़ख्र है। उसमें एक हमारे सब इंस्पेक्टर अरशद की शहादत हुई अपना काम करते हुए, मगर बहुत पॉपुलर अफसर था, मैं उनके घर तक गया, जाके देखा कैसे लोग उसको याद करते थे उसकी शहादत के बाद भी। शहीदों के नाम पे अलग अलग जगहों पे उनके यादगारी सड़कें, यादगारी स्कूल उनके नाम पे रखे जा रहे हैं, जिस सरकार की तरफ से, खासतौर पे होम मिनिस्ट्री और एलजी साहब की तरफ से बहुत ही एक मैं समझूंगा कि बढ़िया कदम है, जिसमें लोग अपने इलाके में जो लोगों के लिए शहादत देने वाले हैं उनको याद कर पाएंगे, उनकी यादगारियाँ जो हैं वो उनको देखेंगे। और मुझे लगता है कि बाकी लोगों के लिए भी ये इनकरेजमेंट का स्रोत रहेगा कि पुलिस को लोग इज्जत के नज़रिए से, हमारे शहीदों को लोग इज्जत के नज़रिए से देखते हैं और इज्जत और सम्मान देते हैं। इसी तरीके से NIA और NCB दोनों के साथ मिलकर के भी हम लोगों ने ट्रेनिंग, जैसे मैंने कहा कि ड्रग्स का काम, तस्करी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, केसेस की तफ्तीश जो है टेरर रिलेटेड केसेस की और बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। इसलिए NIA और NCB के साथ मिलकर के हम लोग अभी तक 0.5 दर्जन ट्रेनिंग कोर्सेज ऑर्गेनाइज कर चुके हैं और 450 के करीब लोग इसमें जो हैं वो ट्रेंड हो चुके हैं जॉइंट ट्रेनिंग्स के अंदर। सेहत का मैंने जिक्र किया, हमारे 2 हॉस्पिटल बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल पुलिस के इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें माइनर लेवल की सर्जरीज भी होती हैं, क्लिनिकल लैब्स में हर तरह के टेस्ट होते हैं, और बड़ी तादाद में हमारी पुलिस और पुलिस के परिवार मेंबर्स उनके जो है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इनको और ज़्यादा ऑगमेंट करने की हमारी कोशिश है। इस वक्त ट्रॉमा सेंटर, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रॉमा सेंटर हमारा श्रीनगर में तैयार हो रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले कम अरसे में ही उसको हम लोग फंक्शनल कर पाएंगे। उसकी ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पर हमारी सारी डिपेंडेंस जो है वो आर्मी हॉस्पिटल पर रहती है, हमारे काफ़ी लोग ऑपरेशंस के दौरान गोली से जख्मी होते हैं, ग्रेनेड से जख्मी होते हैं, उनको एक अच्छा इलाज मिल सके, इमीडिएट केयर मिल सके, उसके लिए वो हॉस्पिटल जल्द ही तैयार हो जाएगा। पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिशें हुई हैं, मुझे याद है बार बार मीटिंग्स के अंदर LG साहब ने इसका जिक्र किया, होम मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया कि जवानों की लिविंग कंडीशंस को कैसे बेहतर किया जाए, इसके ऊपर PHQ से और फील्ड फॉर्मेशन से काम किया गया और काफ़ी अच्छी रकम इस वक्त होम मिनिस्ट्री से सेंक्शन होकर के हमारे पास आ गई है, ताकि हमारी जो लिविंग कंडीशंस हैं जवानों की उनको और बेहतर किया जा सके, बैरिक्स को और बेहतर किया जा सके। 8 महिलाओं के लिए स्पेशल थाने जो है नए बनाए गए हैं और कुछ एक अभी बिल्कुल तैयार हैं, जिनकी इनॉग्रेशन आने वाले चंद दिनों के अंदर की जाएगी। बहुत सारे लिविंग ब्लॉक्स नए ऐड अलग अलग जगहों पे किए गए हैं, और जैसा मैंने कहा रहने बैठने का, मैं पिछले हफ्ते में 3 जगह का जायजा, प्रयासपुरा गया था, जैवन गया था और मानसबल गया था, तीनों जगह वहाँ पर लिविंग और जो बाकी हमारी ऑपरेशनल ज़रूरतों की अकोमोडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जायजा ले चुका हूँ। हम लोग जल्द ही और उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सिविक एक्शन, जिसको कोविड के चलते थोड़ा धक्का लगा, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज जो है उसमें क्राउड की ज़रूरत और क्राउड को बुलाना पड़ता है, नौजवान बच्चों को बड़ी तादाद में,
मगर इसके बावजूद जब जब भी हमें विंडो मिली, इसमें बहुत सारे काम हम लोगों ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किए हैं। ड्रग डिटेक्शन सेंटर्स जो हम चला रहे हैं, मुझे लगता है कि सबसे पॉपुलर और सबसे वेल इक्विप्ड अगर ड्रग डिटेक्शन सेंटर है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं। आप जम्मू का देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा, कश्मीर का अगर जाके देखें डाउनटाउन में चलता है। अभी 17 करोड़ में हमने वहाँ पर एक नया सेटअप तैयार किया ड्रग डिटेक्शन के लिए। इसी तरह के 10 सेंटर हमारे छोटे लेवल पे, रेंज लेवल पे, जिला लेवल पे चल रहे हैं ताकि वो बच्चे जो इसका शिकार हो चुके हैं उनको रिहैबिलिटेशन के रास्ते पे लिया जा सके, उनको हेल्पिंग हैंड दिया जा सके। हम लोग जश्न डल करते हैं, रन फॉर पीस अलग अलग जगह पे करते हैं। इस बार साइकिल रेस श्रीनगर के अंदर करी गई, एकता दिवस परेड और एकता दिवस के ऊपर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में, अलग अलग यूनिट्स के अंदर यूनिटी रन का इंतजाम किया गया। बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और पैडल फॉर पीस जिसका मैं जिक्र कर रहा था, 2000 कश्मीर में बच्चों ने आकर के, हर उम्र के बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सब ने हिस्सा लिया, जहाँ तक कि बच्चियों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। लोगों के साथ रबता अच्छा रहे, लोगों के साथ मेल मिलाप बना रहे, PCPG की जो हमारी मीटिंग्स रहती हैं वो बराबर करते रहे, छोटी तादाद में मगर होती रही, और अलग अलग तरह की सपोर्टिंग एक्टिविटी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करी। वेलफेयर के लिए जो फौज का अपना दस्तूर है, हमारे अपने फंड्स हैं, उसके तहत 8.5 करोड़ रिटायरमेंट गिफ्ट्स की फॉर्म में दिया गया हमारे जो रिटायर होने वाले ऑफिसर्स हैं उनको। 20 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट जो है वो रिलीफ दिया गया हमारे जो सर्विंग पुलिस के लोग हैं लोन की फॉर्म में। 10 लाख रुपया जो हमारे शहीदों की बच्चियाँ जिनकी शादी होती हैं उनको हम अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं, तोहफा देते हैं, वो दिया गया। 4.5 करोड़ जो हमारे SPO शहीद हो जाते हैं उनके परिवार को, इनको नहीं पूछा जाता था, अच्छे से नहीं कदर होती थी पूरी तरह, मगर हम लोग अपने पैसे कटवा करके आज SPO के लिए जमा करते हैं। 4.5 करोड़ इसी साल के अंदर उन परिवारों को रिलीफ के लिए दिया गया जो SPO हमारे शहीद हुए। इसी तरह से 1 करोड़ के करीब जो हमारे मार्टियर उनके फैमिलीज को एक्सग्रेशिया का दिया गया। रिटायर्ड पुलिसमैन जिनको किसी तरह की कोई इमरजेंसी मेडिकल की ज़रूरत होती है उनको कोई अच्छी खासी रकम उनके लिए भी रखी गई, वो भी हम अपने पैसों से कटवाते हैं सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स। इसी तरीके से हम लोग 35 करोड़ की रकम जो हमारे जवान शहीद हुए उनके परिवारों को एक्सग्रेशिया की फॉर्म में जो है वो दी गई। इसके अलावा काफ़ी बड़ी रकम 8 करोड़ जो हमारे SPO शहीद हुए उनके परिवारों को दी गई। 1.5 करोड़ के करीब हम लोगों ने हमारे जो मेरिटोरियस बच्चे जो अच्छी पढ़ाई करते हैं उनको और इनकर्ज किया जाए, उनको दिया गया। DGP के स्पेशल रिवार्ड हम देते हैं अपने बच्चों को जो मेरिटोरियस सर्विस में, पहले SPO एलिजिबल नहीं होता था, मगर आउट ऑफ वे अब हम SPO के बच्चों को भी अपनी इस रकम से, जो असल में रेगुलर पुलिस अफसरों के पैसे से जो फंड चलता है वो हम देते हैं। हर तरह की मदद हम लोग इनकी करते हैं। कोविड में जो लोग हमारे कोविड से इन्फेक्शन जिनको हुई, जिनको इलाज करवाना पड़ा, कोई 1 करोड़ के करीब उनको भी हमने अपना वेलफेयर रिलीफ से पैसा दिया ताकि वो लोग अच्छा इलाज भी करवा सकें और अपनी अच्छी सेहत फिर से पा सकें। सो स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो विद इन द डिपार्टमेंट होती हैं उनके ऊपर काफ़ी बल दिया गया और जवानों के लिए और जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उस पर बहुत सारा खर्च किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस अच्छा काम करती है इसका चर्चा आप सभी करते रहते हैं, मगर इसकी कागजी तौर पे, फॉर्मल तौर पे रिकॉग्निशन हो, वो पहचान होती है कि मेडल्स अलग अलग कैटेगरीज में फोर्स के अलग अलग लोगों को कैसे मिलते हैं। 1319 मेडल एक साल के अंदर मुझे लगता है कि रिकॉर्ड है फोर्स का अभी तक का, जिसको मुझे लगता है कि हम लोगों को और मेहनत करेगी अपने रिकॉर्ड को बीट करने के लिए। शायद पहली बार ASI बाबूराम अशोक चक्र पंथा चौक के ऑपरेशन में शहीद हुए थे और अशोक चक्रा से उनको नवाजा गया। कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन को कीर्ति चक्रा दिया गया। इसी तरीके से इंस्पेक्टर अरशद खान, गुलाम मुस्तफ़ा बरा जो हमारे सिलेक्शन गेट थे, नसीर अहमद कोहली जो हमारे सिलेक्शन गेट कांस्टेबल थे, SPO बिलाल अहमद मागरे और SPO शहबाज अहमद, इन सबको शौर्य चक्र से नवाजा गया जो पहले पुलिस के हिस्से में कमी ही होते थे। इसके अलावा 309 PPMG और PMG के अवार्ड जो हैं वो फोर्स के अलग अलग लेवल पे, अलग अलग रैंक्स के ऊपर लोगों को दिए गए। 34 लोगों को मेरिटोरियस सर्विस के अवार्ड दिए गए और 4 लोगों को डिस्टिंग्विश्ड सर्विस का अवार्ड मेडल मिला।
8 लोगों को यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सेलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग, ये नया एक एक मेडल ईजाद किया गया है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर बहुत फोकस करते हैं कि ट्रेनिंग अच्छी हो, तफ्तीश अच्छी हो, सो ट्रेनिंग का मेडल और तफ्तीश के नए मेडल जो हैं वो जारी किए गए हैं। इसमें 8 मेडल जो हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों को मिले। 314 JKPMG जो हमारा जहाँ का पुलिस मेरिटोरियस जो मेडल रहता है वो मिला, गैलेंट्री मेडल रहता है वो मिला 314 को, और 12 लोगों को JK का मेरिटोरियस मेडल जो है मिला। सपोर्ट्स में भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब कोविड के बावजूद जहाँ जहाँ भी इवेंट्स हुई बहुत अच्छा जो है ऑनर्स जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए और JK ड्यूटी के लिए लाए। इसका मैं बड़ी तफसील से जिक्र नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस जिस भी फ्रंट पे चलती है वहाँ कोई ना कोई लॉरल्स लेकर के ही लौटती है। इसमें हमारी वाटर स्पोर्ट्स टीम ने बहुत अच्छा काम किया, अलग अलग तरह के मेडल लिए। इसी के साथ एक नया जो है मार्शल आर्ट्स का एक पैनकेक सिलत कहते हैं वो नया नया शुरू हुआ है, पिछले 1-2 साल पहले शुरू हुआ था, उसमें हमारे लोगों ने मेडल लाए। और बाकी जो आपकी टीम इवेंट्स हैं उसके अंदर भी बहुत सारे मेडल जो टीम ने लाए। मुझे खुशी है पूरे साल का लेखा जोखा देने के बाद ये कहते हुए कि जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे अवाम के लिए, आप सब के लिए ये एक और कामयाब साल बन के गुजरा है और हमारी कोशिश रहेगी कि 2022 जो है वो इससे भी बेहतर हो। सर, माय क्वेश्चन इज दैट एवरीबॉडी हैज बीन अप्रिशिएटिंग द रोल, बट देयर इज वन सेक्शन दैट कीप्स ऑन डेमोनाइजिंग पुलिस, द मैन इन यूनिफॉर्म। वी हैव सीन दैट आफ्टर हैदरपुरा एनकाउंटर दे हैव बीन कास्टिंग एस्पर्शन, नाउ सिट रिपोर्ट इज देयर, अगेन दे आर डाउटिंग। Now my question is that as a man in uniform, as a police chief, do you feel hurt when the people whom you are guarding, they suspect you, they doubt you? We definitely feel hurt with the kind of utterances that they make. They are very irresponsible to start with and to see the least. It's very irresponsible on the part of certain people who are not part of the investigation, who do not know anything about the investigation, about the ground situation. And then the people actually who themselves have seen this kind of scenario for years and years, and they know the reality actually on ground. But I think counting votes on dead bodies, maybe perhaps the mission, I don't think we'll be allowing them to succeed in that kind of mission. We have already made it clear, anybody having any evidence, there were 2 forums available to them. One was the magisterial inquiry. Anybody having anything should have gone to the magistrate who was conducting the inquiry. And if they still have something, we have an investigation team which is working there. Why don't they go and present that evidence before them? We have made it crystal clear that the operation was neat and clean. We have made it crystal clear that police and the forces have done their professional work. And we've also made it clear that those utterances are somehow violative of law, and maybe that at some stage if people don't mend their ways, maybe that law would take its own course. Second part of the question, you were talking about overjoyed workers, they are local, they are global, they are feeders, they are fodder, and then they are the one who are providing oxygen to the ecosystem of terror. Now you think that the time has come, the people who are wearing that cloak of mainstream political party leaders but working as separatists, and police is now going to act against them. Can you take that? If you have a look at the cases that were registered under UAP, I think some of them have already been accounted for, and we would definitely be looking for more. We are on lookout. We are trying to get more and more evidence on people who in a way very cleverly try to support militancy. They are into soft separatism. I think we have taken action against some of them, and we would be looking for more evidence to fix more people in this regard. Top leaders like Mehboob Mufti, Umar Abdullah and others, because you know Sajjad Ali and many others giving statements like that. No one is above law. सर, मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं सर, यहाँ आपके राइट में सर। हालांकि अभी यहाँ पे सर स्टेट सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट के लिए, हालांकि अब तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंडर है, लेकिन पहले पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड था। काफी यूथ चाहता है कि 35 साल की एज हो गए, एक तो इस पर आपका क्या कमेंट है? दूसरा, लास्ट ईयर भी मैंने पूछा था, रिस्क अलाउंस बाकी फोर्सेज को 14,000 मिलती है, हमारे JKP के जवानों को नहीं मिलती। और तीसरा, क्या SPO को पक्का होने के चांसेस हैं या अभी सिर्फ उनकी सैलरीज ही ग्रोथ होगी?
तीन चीज़ें, पहला तो रिक्रूटमेंट, ये मैटर गवर्नमेंट को पर्टेन करता है, रिक्रूटमेंट के आदेश, एडवर्टाइजमेंट, बाकी चीज़ें गवर्नमेंट के लेवल पे, होम डिपार्टमेंट के लेवल पे हैंडल हो रही हैं, इसलिए उसके बारे में मैं इस स्टेज पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। नंबर दो, एसपीओ का आपका जो है, एसपीओ को अगर ये जान लें कि एसपीओ एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है, और उस टेम्परेरी अरेंजमेंट के अंदर सब कितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सकता है वो दिया जा रहा है, तो बहरहाल इतना ही कहना काफ़ी है। उसके अलावा पक्का होंगे नहीं होंगे इस तरह की कोई गारंटीज़ नहीं है। बाकी स्टेट्स भी आपने देखी हैं, बाकी जगह भी एसपीओ काम करते हैं। और तीसरा पार्ट आपने क्या कहा था, रिस्क अलाउंस वाला पार्ट जो है, हम लोग पहले ही 10% रिस्क अलाउंस सभी ले रहे हैं और हम बड़े खुश हैं। सर एक सवाल, वर्ष 2022 में इलेक्शन की, जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन की बात की जा रही है, संभावना जताई जा रही है, तो क्या इलेक्शंस के ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि कितना मिलिटेंसी का खतरा मंडरा रहा है? देखिए, मुझे ऐसा कोई शेड्यूल, ऐसा कोई फैसला मालूम नहीं है, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता। सर हैदरपुरा या इसके अलावा बड़े सारे एनकाउंटर्स पर जब सवाल उठते हैं, आपको लगता है कि एक मैकेनिज्म जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को तैयार हो चुका है या करना चाहिए कि इस तरह के सवाल ना उठे और कोई पहले से एक सेटिस्फैक्टरी जवाब जो है उनको मिल जाए? देखिए, सवाल आज नहीं उठे हैं, सवाल उठते ही रहते हैं और हम लोगों को जब जब सवाल उठे उनका जवाब देते रहना है। हमारा एक अपना मैकेनिज्म है, दैट मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन द फैक्चुअल पोजीशन ऑन ग्राउंड, फैक्चुअल पोजीशन विद रिगार्ड टू दैट पर्टिकुलर केस। कोई सेट फार्मूला नहीं हो सकता है, जो केस है जिसका जिस तरह का जवाब क्लैरिफिकेशन चाहिए वो दी जाती है, देते रहे देते रहेंगे और मैकेनिज्म इन प्लेस है। So why long rope is given to these politicians who are each day making such statements and targeting JK police? पतंग उड़ने से पहले डोर लंबी चलती है, कटने से पहले डोर लंबी चलती है। गुड आफ्टरनून सर, जिस तरीके से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस सर आतंकवाद का सफाया करने में जुटे हैं सर, बतौर पुलिस चीफ सर क्या आप मानते हैं जो टेररिज्म है जम्मू कश्मीर में, इट्स एट अ फैगेंट सर इन जम्मू? देखिए, कोशिश वो है दहशतगर्दी को नंबर्स की, जहाँ तक सवाल है, दो चीज़ें फील करती हैं, एक लोकल रिक्रूटमेंट और एक इन्फिल्ट्रेशन। मैंने दोनों का जिक्र किया है, दोनों ही पहले के मुकाबले में बहुत कम हुए हैं। हमारी कोशिश है कि ये और कम होते चले जाएं और मिलिटेंसी का पूरी तरह सफाया हो जाए, मगर इसके लिए अभी कोई डेडलाइन फिक्स कर दें ये मुमकिन नहीं है। थैंक यू वेरी मच। पिछले साल भी आप यहीं बैठे थे, हम यहीं बैठे, भगवान करे अगले साल भी इसी दिन आप भी यहाँ हो, हम भी यहाँ हो, चूंकि अभी जम्मू कश्मीर को आपकी जरूरत है। कुछ शंकाएं हैं डीवीजी वासी, उनसे जानना चाहता हूँ। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, अभी भी कोई भुक्त भोगी अगर जाता है पुलिस स्टेशन, उसे हिंदी की FIR नहीं मिलती, मिल जाएगी आशा कितना सारी। दूसरा, इसी स्थान पर सर आपने कहा था पुलिस बहुत काम कर रही है, हर विभाग को सल्यूट है अंडर आपके कमान के। प्रधानमंत्री भी कहते हैं फंड की कोई कमी नहीं है, आदरणीय गृह मंत्री भी कहते हैं फंड की कमी। आज भी आपके कोई कार्यालय जो जांबाजी से काम कर रहे हैं, विशेष तौर पर आप भी बहुत कोशिश करें साइबर क्राइम को और अलर्ट करने की, आप बेहतर जानते हैं सर, आपकी अपने सहयोग से और आपके एडिशनल डायरेक्टर जनरल मुकेश जी के सहयोग से अभी भी वो सरकारी इमारत में नहीं है, बाहर है, ले दिया आपने। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीजी साहब, ये अभी तक भी पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड नहीं है सर, साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया। बस एक और जानकारी डीजी साहब, प्रमोशन के अंदर भी आपने तो बड़ी बात है अपने जवानों को, हर अधिकारी को प्रमोशन के लिए बहुत कुछ दिया है, कहां कोताही है कि हमारी जम्मू कश्मीर की प्रशासन अनेकों की प्रमोशन रोक के बैठी है, उनके मन ही मन में आक्रोश है जिन्होंने लंबा समय, डीजी साहब आप समझ गए सर, जरूर चाहूंगा वो भी सुनोगे, सीधा लाइव में है सर, वो भी जरूर जानना चाहेंगे। और डीजी साहब, SDRF की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वेल इक्विप्ड नहीं है, विकास की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, कब तक ठीक हो जाएगा सर? एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। हिंदी में नागो साहब, आपको पता है नागो के साहब के, इसमें हम लोग उसको जो सॉफ्टवेयर आया था उसमें बाइलिंगुअल मल्टीलिंगुअल प्रोविजंस हैं,
वो काम को कि ट्रेनिंग की प्रक्रिया ज़्यादातर जो है वो अंग्रेजी में रहती है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि वो दिन भी होगा जब हम लोग ये सारी चीज़ें जिस भी लैंग्वेज में चाहें उसको ले सकते हैं जो लैंग्वेज अवेलेबल उसमें है। साइबर का आपने कहा, हम लोग बिल्कुल कुछ अर्सा पहले तक बेबी स्टेप्स पे चल रहे थे और थोड़ा सा हमारी अब चाल पहले से तेज हुई है। पैसे की फिर कमी नहीं है, पैसा हमारे पास अवेलेबल है, मगर इमारत नहीं थी तो बहुत बड़ी इमारत क्राइम हेडक्वार्टर में इस वक्त बन रही है, वो लटक गया था प्रोजेक्ट किसी वजह से, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा दे दिया है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। मॉड प्लान हमारी बंद हो गई थी मगर स्पेशल ग्रांट दी गई कि उसके बावजूद भी इस बिल्डिंग को मुकम्मल करें और उसमें जो साइबर का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है वो तैयार करें। उस पर हमारे लोग लगे हुए हैं, ADG हेडक्वार्टर लगे हुए हैं, स्पेशली जी क्राइम भी उसको देखेंगे और हम बहुत जल्दी उसमें बेहतर जो है वो काम कर सकेंगे। प्रमोशंस कभी कभी आपका कहना सही है कि टाइम इतना नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा लगता है, अनफॉर्चुनेट है, कोशिश करेंगे टाइम और कम हो जाए, मगर लगता है इसमें कोई शक नहीं है, उसको और कम करने की कोशिश करेंगे। हम लोग पहले भी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे, लगता है आज कोई ऑर्डर आएगा। उन्हें बाहर घूमने नहीं दिया जाता है, खासकर वादी कश्मीर के जितने भी DDC देखिए उतना खुला नहीं घूमने दिया जाता जितना आप घूम सकते हैं या बाकी लोग घूम सकते हैं। एक, क्योंकि उनको खतरा है, दूसरा क्योंकि उनको सिक्योरिटी लेके जाना है, तीसरा क्योंकि उनको अपना प्रोग्राम बना के जाना है। तो कल तक उनको प्रोग्राम बनाने की आदत नहीं थी, अब बनाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कतें रहती हैं, बट दे आर अलाउड टू गो अराउंड जहाँ चाहते जाते। सर एक समय था जब JKP के लिए टेररिस्ट जो सबसे बड़े थ्रेट थे, और ऑपरेशन ऑल आउट स्टार्ट किया गया, आज की डेट में ओवरग्रोन वर्कर जो है थ्रेट बन के आ रहे हैं, कोई इस तरीके की डेडलाइन होके आ रही है उनके लिए कि इतनी देर में इतने ओवरग्रोन वर्कर जो है सफाया किया जाएगा? आपने मुझे सुना नहीं अच्छे से। दहशतगर्द तो 182 का सफाया हुआ है, OGW 570 का हुआ है, तो आप देख नहीं रहे कि हम OGW की ज्यादा रफ्तार से जो है वो सफाया करने में, उनको पकड़ के कानून के दायरे में लाने की कोशिश। They would try to come towards Kashmir, so as liberation of Kashmir. So what is the status right now? Has there been any increase of Afghan terrorists on the launch pads on the other side of the LOC or IB? What are the inputs that we have right now, sir? See, every country has got its own priorities and own limitations. Everyone has to fight his own battle. We are fighting our own. We are capable of fighting our battle and we are doing it very successfully. As of now, there are no apprehensions, there is no such apprehension that anybody from Afghanistan is going to come and do terrorist activities on behalf of Pakistan. There is no such evidence. And I don't think there is any such indication in future as well. Sir, border battalion ke bachon ka written exam nahi hua hai. उसमें ये है कि कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी इस प्रोसेस के दौरान, कुछ चेंजेस ऐसी आई जो लोग एलिजिबल नहीं थे वो भी एलिजिबल हुए। हम नहीं चाहते थे कि जो लोग अब एलिजिबल हैं जबकि रिक्रूटमेंट चल रही है तो उनको नुकसान हो। क्लैरिफिकेशन आ गई हैं, एडिशनल एक छोटी सी एडवर्टीजमेंट निकलेगी, वो लोग भी अपना करेंगे और उसके बाद फिर एग्जाम। Sir, in the recent past, we have seen that Pakistan and terrorists have been desperately trying to, revive terrorism in some parts of Jammu region. So, how is this matter being viewed? Because this year we saw that an operation, lasted for many months in Poonch district, in Rajouri district, and there were terror incidents in Jammu region as well. So, what is the police department doing as far as this threat that is looming large over Jammu region is concerned? Thank you, sir. Pakistan has shown a shift in its policy. Pakistan agencies, which are supposed to be handling terrorism or terrorist activities in J&K, they've tried to revive militancy in Jammu region, and Jammu police along with other agencies have been live to this threat.
there are dozens and dozens of cases where they tried to revive somebody who was an old source, an old OGW, an old militant, an old terrorist, now dormant, but we were able to identify, take action. They made use of infiltration and they sent people in Jori Punch area. Our forces have been chasing them, and we had a successful encounter a couple of days ago in which one of those terrorists were killed. Unfortunately, some of them were able to reach Kashmir, and we've been able to take care of them in Kashmir as well. There are some of them who are remaining. I'm sure we'll be able to account for them very soon. Pakistan agencies also made use of drones, tunnels to send in more and more people and narcotics. Threat of tunnels have been to a large extent eliminated. From our technical evidence which we gathered from our investigation, we were able to locate these tunnels and destroy them. We did it, I think 3 to 4 tunnels were destroyed during the year. Drone sorties, most of them we were able to intercept very successfully. So whatever weapons they sent, we were able to capture them. Whatever narcotics they sent, we seized them. But still there are some sorties which have landed beyond us, which have been taken to Kashmir. We already recovered large number of pistols which were sent via drones from here. There are some more. We have our systems to identify them. We are at work, and I think only last week we were able to recover 4 more such pistols which had gone from here via drones. So we are live to the threat. They are also using somebody sitting in other countries to motivate people in the Jori Punch area and Doda region and Riyasi region. People are under our radar. 6 people became active. All 6 of them in Jammu region have been arrested. Not a single one of them has been spared. Anybody further getting active would also be taken to task. So we are live to the threat. They also sent sticky bombs, which you can, any metal surface you can attach it to, and then it will, while the vehicle is on move, it will go off. That threat is there. That also was sent by the Pakistani agencies via drone and through the couriers also. That threat is also to a large extent eliminated with seizure of many of those sticky bombs. But I do apprehend, I'm afraid, many of them would still be available. We have to be watchful. We're working on that. Sir, 95-98 के बैच के इंस्पेक्शन अभी भी इंतजार कर रहे हैं। सर, 95 क्या लग रहा है, टेररिस्ट वहां से निकल चुके हैं या अभी भी प्रेजेंट है वहां पे? और क्या इनपुट ये है कि 15 से 20 टेररिस्ट हो सकते हैं जो अभी भी उस एरिया में हो, ऐसा कुछ है क्या? पहला तो ये इनपुट गलत है कि 15 से 20 लोग हैं जो शुरू में या उसके बाद भी टाइम टू टाइम फुटप्रिंट्स मिलते रहे। वो 5-7 लोगों के बारे में जिक्र आता रहा, जिसमें जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग दे क्रॉस्ड ओवर टू कश्मीर एंड वी हैव सम ऑफ देम हैव बीन एलिमिनेटेड During our encounters over the last 2 weeks, 3 weeks. So 95, 98, and 2 of them were still supposed to be roaming around in the area. One of them, Gerard, has been eliminated. Second one is supposed to be somewhere in that region, and we are trying to track him down. We'll do it very soon. Sir, traffic police, sir, traffic police se juda ek sawal hai. Aap kuch dinon mein humne dekha hai ki khas taur pe urban cities hamare Jammu ya Srinagar capital city mein kai sare aise mamle hue hain jahan par doshi hote hain wo hit karke bhag jate hain. To dusre rajyon ke tarah pe jahan par two wheeler traffic karmiyon ko diye gaye hain aise logon ko chase karne ke liye, hamari Jammu Kashmir police ko, Jammu Kashmir police ko jald hi additional two wheeler is kaam ke liye diye ja rahe hain. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. अगर हम बात करें 2021 की, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए फाइट अगेंस्ट मिलिटेंसी काफी सक्सेसफुल ईयर रहा है, 2022 में क्या लगता है आपको, लोकल मिलिटेंट का थ्रेट ज्यादा है या फॉरेन मिलिटेंट का थ्रेट ज्यादा है? देखिए, दोनों ही तरफ से थ्रेट है। थ्रेट उस हथियार से है, थ्रेट उस कमिटमेंट से है, और थ्रोटस इंस्टिगेशन से जो पाकिस्तान और पाकिस्तान नवाज फोर्सेस की तरफ से आती हैं। हम लोग हर तरह की लोकल और फॉरेन टेररिस्ट की थ्रेट को, दोनों को बराबर एलिमिनेट कर रहे हैं। मैं जी आपको बता दूं कि जो 182 दहशतगर्द मारे गए हैं, इसमें 20 फॉरेन टेररिस्ट हैं। तो फॉरेन टेररिस्ट की थ्रेट को भी साथ साथ एलिमिनेट कर रहे हैं। थैंक यू। So, all friends from the media, you are
you are requested to join us for lunch, right? We have a lunch organized in the... For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.